दोस्तों, चीन भारत को काउंटर करने के लिए हमारे आसपास मौजूद देशों का सहारा ले रहा है। भारत के पड़ोसी देशों को अपने प्रभाव में करके चीन भारत को सीमित रखना चाहता है। चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव हो या फिर पाकिस्तान, ये सभी देश चीन के प्रभाव में है। लेकिन अब भारत भूटान और नेपाल में चीन के प्रभाव को खत्म करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें हमें बड़ी सफलता भी हाथ लग चुकी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत ने कूटनीति के खेल में चीन को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भूटान और नेपाल दोनों की तरफ से भारत के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। हम सभी को पता है कि कैसे बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों में तो चीन का प्रभाव है ही, बल्कि चीन नेपाल और भूटान में भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। लेकिन अब इन दोनों ही देशों ने चीन को ठेंगा दिखा दिया है। भूटान, जिसकी आबादी 10 लाख से भी कम है, वह अब अपनी पॉलिसी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव ला रहा है। भूटान के राजा ने अपने देश को एड्रेस करते समय एक नए शहर के बारे में बात कही, जो 1000 वर्ग किलोमीटर में बनाया जाएगा। इस शहर का नाम ग्लेफू सिटी होगा, जो भूटान के दक्षिण इलाके में बनाया जाना है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि भूटान इस शहर को असम के नजदीक बनाएगा, जिसकी प्रमुख वजह है भूटान अब इस शहर को एक इकोनॉमिक हब के तौर पर विकसित करना चाहता है, जिससे दक्षिण एशिया में हो रहे आर्थिक विकास में भूटान भी अपना हिस्सा दर्ज कर सके। भूटान हमेशा से ही ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को समर्थन नहीं करता, यहाँ तक टूरिज्म, जो भूटान की इकोनॉमी का सबसे मजबूत स्तंभ है, उसमें भी भूटान कटौती कर रहा था, जिससे भूटान के अंदर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। दुनिया में काफी कम ऐसे देश हैं जहां पर जंगल काफी बड़ी संख्या में मौजूद है, जिसमें भूटान भी शामिल है। भूटान की धरती पर 70% से ज्यादा जंगल ही है। ऐसे में कई दशकों तक आर्थिक विकास से दूर रहने वाला भूटान अब इकोनॉमिक हब बनने की तरफ अग्रसर दिखाई पड़ रहा है। इस नए सिटी को डेवलप करने में भारत की भी भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि भूटान इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता। इस ग्रीन फील्ड सिटी को डेवलप करने में कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो भारत की तरफ से की जाएगी। साथ ही भूटान के राजा भारत के दौरे पर आ चुके हैं और इस दौरान उन्होंने भारत के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की थी, जिसमें भारत ने भूटान को आश्वासन दिया कि हम भारत से भूटान जाने वाले सड़कों को अपग्रेड करेंगे, जिससे ये नया शहर भारत से कनेक्ट हो जाए और भूटान के अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बिजनेस भी पहुंचे। दोस्तों, भूटान चीन की तरफ से भारी दबाव का सामना कर रहा था। चीन भूटान के कई हिस्सों को कब्जा करना चाहता है, खास करके डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर चीन ने कब्जा कर लिया तो ये भारत के लिए बड़ी रणनीतिक हार होगी। इसकी वजह से चीन भूटान को आर्थिक लाभ का भी लालच दे रहा था। लेकिन अब भूटान के राजा के भारत दौरे और इस प्रोजेक्ट में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि भूटान इन्वेस्टमेंट भारत से ही चाहता है, जो चीन के लिए बड़ी हार है। वहीं पर जब नेपाल के केपी शर्मा ओली की सरकार थी, तब नेपाल चीन की विचारधारा के साथ मिलकर काम कर रहा था, वहीं भारत विरोधी कदम उठा रहा था। लेकिन अब जब से कमल पुष्प दहल ने सत्ता संभाली है, तब से नेपाल भारत के नजदीक आ रहा है। और अब इसी को मजबूत करते हुए एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि नेपाल के साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप करने की एक बड़ी एग्रीमेंट साइन कर सकता है, जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल में विजिट के समय की जाएगी। कुछ समय पहले जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे, तब दोनों देशों के बीच में एक बड़ी डील की गई थी, जिसके तहत भारत अगले 10 साल में नेपाल को 10,000 मेगावाट बिजली की खरीद करेगा। वहीं पर इस डील को लेकर चीन की तरफ से हताशा और झल्लाहट दोनों देखने को मिली थी। लेकिन अब जब दोनों देश आधिकारिक तौर पर लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तब चीन की हालत देखने लायक होगी, क्योंकि नेपाल में चीन का प्रभाव खत्म होता साफ देखा जा सकता है। बता दें कि भूटान और नेपाल से निकल कर आ रही खबर चीन के लिए बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अब भारत चीन के प्रभाव को अपने आसपास मौजूद देश में खुलकर चुनौती दे रहा है। वहीं कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से श्रीलंका ने भी चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और उसके जो जहाज हमेशा श्रीलंका में आकर भारत की जासूसी करने की कोशिश करते थे, अब वह नहीं कर पाएगा और 1 साल के लिए श्रीलंका ने इनके ऊपर बैन लगा दिया है। लेकिन जहां भारत नेपाल, श्रीलंका और भूटान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ मालदीव, बांग्लादेश और पाकिस्तान आज भी चीन के प्रभाव में चल रहे हैं। बांग्लादेश के साथ चीन ने डेवलपमेंट के नाम पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। 2013 में बांग्लादेश ने चीन से 203 मिलियन डॉलर की कीमत पर 2 सबमरीन के ऑर्डर दिए थे और इन्हें रखने के लिए चीन बांग्लादेश में एक मजबूत सैन्य अड्डा विकसित कर रहा है, जहां पर चीनी युद्धपोत भी आ सकते हैं। वहीं इसके ऊपर डिटेल में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। ऊपर से हम अच्छे से जानते हैं कि मालदीव आज चीन के किस हद तक प्रभाव में है, फिर पाकिस्तान के बारे में तो कहना ही क्या। ऐसे में साफ तौर पर
देखा जा सकता है कि चीन भारत के सभी नजदीक मौजूद देश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसा ही नेपाल और भूटान के साथ भी चीन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की मजबूत कूटनीति की वजह से नेपाल और भूटान चीन के पंजे से निकलकर वापस भारत के कैंप में आ चुके हैं, जो काफी जरूरी था, वरना चीन भारत को भविष्य में और परेशान कर सकता था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये दो मेगा डील नेपाल और भूटान के साथ भारत ने की है, क्या इससे चीन का प्रभाव इन देशों में कम हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।